पहलवानों के धरने को लेकर टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा लगातार आक्रामक हैं। पहले उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा को करारा जवाब दिया, तो अब उन्होंने मीडिया, उद्योगपति और खिलाड़ियों को निशाने पर लिया है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, हाँ विनेश, मैं भी हर दिन सभी टॉप मीडियाकर्मी, उद्योगपतियों और अभिनेता और खिलाड़ियों से यही सवाल पूछती हूँ। कायरों ने न हमारे देश को बनाया है और न ही वो उसे कुछ दे पाएंगे। महुआ ने ट्वीट विनेश फोगाट के उस बयान को लेकर किया है जिसमें उन्होंने स्टार खिलाड़ियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि इससे पहले महुआ मोइत्रा ने पीटी उषा के उस बयान को लेकर भी निशाना साधा था जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पहलवानों के धरने पर सवाल खड़े किए थे। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा था, पीटी उषा कहती हैं कि पहलवान सड़कों पर उतरकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। सालों तक WFI की अध्यक्षता करने वाले सत्तारूढ़ दल के सांसद पर छेड़छाड़ और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। क्या इससे भारत में गुलाब की खुशबू आ रही है? बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब तक बड़े खिलाड़ी या खेल बिरादरी खुलकर इनके समर्थन में नहीं आई है। इसे लेकर ब्रजभूषण सिंह शरण पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने वाली पहलवान विनेश फोगाट आहत है। उन्होंने इस मसले पर स्टार क्रिकेटरों और शीर्ष खिलाड़ियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट ने कहा है कि मुझे ये देखकर पीड़ा हो रही है कि देश के बड़े क्रिकेटर और खिलाड़ियों के पास इतना भी साहस नहीं कि वो इस मसले पर कुछ बोल सकें और जो सत्ता में उन पर सवाल उठा सकें। बता दें कि विनेश ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक बजरंग पुनिया के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ चल रहे धरने में सबसे आगे हैं।